हेलो दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक एंड क्रिप्टो हब में। दोस्तों तो आइए दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे यदि आप माइनिंग रिग बना के आप क्रिप्टो करेंसी माइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप को ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन से ग्राफिक्स कार्ड को यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय क्रिप्टो करेंसी को माइन करना पहले से थोड़ा कठिन हो गया है दोस्तों, क्योंकि अब जो हमें पहले आसानी से जो हमें इफिशेंसी या माइनिंग हैश रेट हमें मिल जाते थे दोस्तों, वो अब हमें पहले की ग्राफिक्स कार्ड पे नहीं मिलते दोस्तों। अब हमें उनकी उस माइनिंग हैश रेट को लेने के लिए हमें अब पहले से ज़्यादा पावर के ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पहले जो ग्राफिक्स कार्ड आते थे दोस्तों, वो हमारे नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड हुआ करते थे, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जो हमारे टॉप कौन कौन से हमारे टॉप ग्राफिक्स कार्ड हैं जिनको हम यूज करके अपनी क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट समय में हमारे जैसे कुछ ग्राफिक्स कार्ड चल रहे हैं दोस्तों, जैसे आप एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 3060 टीआई एंड एएमडी रैंडम आरएक्स 5700 एक्सटी, एंड ये कार्ड अभी जो हमारे माइनिंग में यूज किए जा रहे हैं दोस्तों, मैं उन कार्ड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 2070 एंड 2060 हमारे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड हैं दोस्तों, ये हमारी लो पावर कंजप्शन पे हमें अच्छे हैश रेट देते हैं दोस्तों। एंड आप यदि एएमडी ग्राफिक्स कार्ड पे जाना चाहते हैं तो आप आरएक्स 580 और आरएक्स 6600 के साथ जा सकते हैं दोस्तों, यदि आप एएमडी ग्राफिक्स कार्ड को यूज करते हैं दोस्तों। अभी मैं आगे आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप एएमडी ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाएं या एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाएं, आपको कौन से ग्राफिक्स कार्ड यूज करने हैं दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है यदि आप क्रिप्टो माइन करना चाहते हैं दोस्तों और अपनी कम पैसे कम बजट की माइनिंग रिग को बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं, जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड हैं बेसिकली दो कंपनियां, एक एएमडी टाइप के आते हैं ग्राफिक्स कार्ड, एक हमारी एनवीडिया जो हमारी चीप कंपनी होती है एनवीडिया, वो ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। कंपनियां तो बहुत सी हैं, जैसे जो टॉप लेवल की हमारी ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनियां हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एनवीडिया है उसके जो ग्राफिक्स कार्ड बनते हैं वो जी फोर्स मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे एनवीडिया के जो पार्टनर हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो जी फोर्स कंपनी है। और अदर जो कंपनियां हैं जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं आसूस, एवीजीए, गीगाबाइट, जोटेक, एमएसआई एंड कलरफुल, तो दोस्तों ये हमारी टॉप कंपनियां हैं या टॉप ब्रांड हैं जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड को मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो हमारे ग्राफिक्स नाउ जो करंट डेट में हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अब पहले की अपेक्षा माइनिंग करना या क्रिप्टो करेंसी माइन करना आसान नहीं रह गया है दोस्तों। अब हमें हैवी ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना होता है, और जिसकी प्राइस पहले से, अब जानते हैं कि जब से क्रिप्टो माइनिंग आई है दोस्तों, पहले नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड आया करते थे, अब वो ग्राफिक्स कार्ड हैवी आते हैं तो उनकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है दोस्तों। तो आजकल जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं नॉर्मली, वो 8GB से 12GB रैम के होते हैं दोस्तों, जो हमें अच्छे माइनिंग हैश रेट देते हैं दोस्तों। तो अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि ग्राफिक्स कार्ड का जो ये मार्केट है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। अभी अगर हम बात करें 2020 की, तो इस समय जो ग्राफिक्स कार्ड का मार्केट था दोस्तों पूरे विश्व में 60% तक इंक्रीज कर चुका है दोस्तों। जो आने वाले समय में आई होप 2025 तक ये 80-20% तक ग्रो करेगा दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का जो एरिया है वो दिन के दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। लोग काफ़ी दिलचस्पी रख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बाई करने में,
और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में दोस्तों। आपको पता है ये स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आइए हम बात करते हैं अब कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपको कितना हैश रेट देगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 3090 ग्राफिक्स कार्ड को यूज करते हैं दोस्तों, तो ये आपको इथेरियम पे 114 मेगा हैश और जो कि हमारा 320 वाट का पावर कंजप्शन लेगा दोस्तों। यदि आप दोस्तों फ्लक्स माइन करते हैं 3090 कार्ड से तो ये 90 मेगा हैश देगा एंड 290 वाट आपका एलटी कंज्यूम करेगा दोस्तों। अगर आप रेवन क्वाइन करते हैं दोस्तों तो ये 46 मेगा हैश का आपको 46 मेगा हैश देगा और 330 वाट का ये इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा दोस्तों। यदि हम बात करें 3090 की प्राइस की दोस्तों, तो ये आपको मार्केट में 2 लाख से 2.25 लाख के बीच में अवेलेबल है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी महंगे हो चुके हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं यदि आप 3070 यूज करते हैं तो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों जो बता रहा हूँ ये 3070 Ti ग्राफिक्स कार्ड को बता रहा हूँ दोस्तों। यदि आप इससे इथेरियम माइन करते हैं तो ये आपको 55 मेगा हैश एंड 190 वाट का बिजली कंजप्शन देगा। यदि आप 3070 से फ्लक्स माइन करते हैं तो ये 61 मेगा हैश तथा 180 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा दोस्तों। यदि आप रेवन क्वाइन को माइन करते हैं तो ये 3090 मेगा हैश देगा एंड 250 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस समय जो करंट टाइम में यदि हम प्राइस वाइज बात करें, जो लो प्राइस या कंफर्टेबल प्राइस के हिसाब से अगर हम बेस्ट कार्ड को देखें तो मेरे हिसाब से 3060 Ti है दोस्तों। आप 3060 Ti को यूज करके दोस्तों मतलब एक वैल्यूएबल मनी में पैक आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगर हम 3060 को यूज करते हैं तो ये हमारी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी को हिसाब से बेस्ट है दोस्तों। तो आइए जानते हैं 3060 Ti आपको मार्केट में दोस्तों 65 से लेके 70-72 थाउजेंड के अराउंड मिल जाएगा दोस्तों। और बात करें 3060 Ti की तो ये इथेरियम पे आपको 58 मेगा हैश और 130 वाट का इलेक्ट्रिक कंजप्शन करता है दोस्तों। यदि 3060 Ti को हम फ्लक्स माइन करें दोस्तों तो ये 54 मेगा हैश तथा 190 वाट का इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है दोस्तों। अगर हम इससे रेवन क्वाइन पे देखें तो दोस्तों ये रेवन क्वाइन पे आपको 27 मेगा हैश का ही इफिशियंसी देगा और 190 वाट का ये इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप यदि आप अपने से कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा कार्ड कितना आपको माइनिंग हैश रेट देगा, तो आप दोस्तों एक साइट है व्हाट टू माइन। हाँ दोस्तों, आप व्हाट टू माइन पे जाके आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को सेलेक्ट करके, जैसा हमने दिखाया, आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके अपने ग्राफिक्स कार्ड को एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों किसी भी करेंसी या किसी भी स्टॉक या किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप एनालाइज करना ज़रूर सीखें। बिना भी प्रोडक्ट को एनालाइज किए कभी अपना पैसा न लगाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय LHR एंड नॉन LHR कार्ड की धूम मची हुई है, तो आप भी आपके भी माइंड में डाउट होता होगा दोस्तों कि LHR क्या है एंड नॉन LHR कार्ड क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप जानते हैं LHR, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों LHR कार्ड क्या होते हैं। LHR कार्ड का मतलब दोस्तों लाइट हैश रेट वाले कार्ड, जिनकी इनकी परफॉर्मेंस सब कुछ सेम होता है दोस्तों। दोनों कार्ड सेम होते हैं LHR एंड नॉन LHR, लेकिन जो हमारे LHR होते हैं उनकी जो हैश रेट होती है दोस्तों वो नॉन LHR की अपेक्षा थोड़ी कम होती है दोस्तों, क्योंकि जो LHR कार्ड होते हैं वो हमारे गेमिंग के लिए डिजाइन किए होते हैं दोस्तों, ये लो बजटेड कार्ड होते हैं। यदि बात हम करें नॉन LHR कार्ड की दोस्तों, तो ये जो नॉन LHR कार्ड होते हैं ये स्पेशली डिजाइन ही होते हैं हमारे क्रिप्टो माइनिंग रिग के लिए दोस्तों।
हाँ दोस्तों, जो नॉन एलएचआर कार्ड होते हैं वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए ही बने होते हैं, इसलिए इनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है दोस्तों। जैसा कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं नॉन एलएचआर कार्ड 3090 दोस्तों, जो कि मार्केट में आपको 2 लाख से एवब में मिलेगा दोस्तों। और एलएचआर कार्ड्स की बात करें दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल 3060, 3070 एंड 3060 Ti, ये हमारे एलएचआर कार्ड हैं दोस्तों। दोस्तों यदि हम कंपेरिजन करें एनवीडिया एंड आपके एनवीडिया एंड एएमडी ग्राफिक्स कार्ड की, तो जो हमारे एएमडी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं दोस्तों, एएमडी ग्राफिक्स कार्ड पे दोस्तों हम हर क्रिप्टो करेंसी को माइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक एएमडी कार्ड्स इतने अच्छे नहीं होते हैं जितना आपके एनवीडिया होते हैं। तो दोस्तों यदि आप वैल्यूएबल, क्योंकि दोस्तों हम जब भी ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जाते हैं तो हमें मोस्टली इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप जब भी ग्राफिक्स कार्ड परचेज कर रहे हो या बाई कर रहे हैं, तो आपको एनालाइज कर लेना चाहिए बिफोर द बाइंग, ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस क्या है, एंड प्राइस के हिसाब से आप यदि उसको यूज करते हैं तो आप उसको यूज करके कितने दिन में आप प्रॉफिट या उसका पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। एंड आप जो ग्राफिक्स कार्ड बाई कर रहे हैं दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, या आपको क्या परफॉर्मेंस देगा, या उसकी इफिशेंसी क्या है दोस्तों। एंड थर्ड, आप जो ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों बाई कर रहे हैं वो पावर कंजप्शन क्या लेगा। जानते हैं दोस्तों जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो 24 आवर रनिंग होते हैं, जो कि हमारे रिग में लगे होते हैं और हमें क्रिप्टो माइन करते रहते हैं हमारे लिए। तो पावर कंजप्शन यहाँ एक बहुत बड़ी इशू होती है दोस्तों। तो हमें ग्राफिक्स कार्ड, यदि यही कारण है दोस्तों कि जो हमारे पहले के जो कार्ड होते थे जैसे 1660 या 1660 सुपर या 2060, ये ग्राफिक्स कार्ड पहले के इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, जो आजकल मार्केट में जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों 2060 हमारा काफ़ी इफिशियंसी कार्ड है, जो हमें अच्छी हैश रेट के साथ कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है दोस्तों। तो और फोर्थ, आप एक रिजेबल वैल्यू के साथ जाइए, जो भी कार्ड आपको मार्केट में जेन्युइन प्राइस पे मिले उसको परचेज करिए, एंड आप उसके हैश रेट को चेक करिए, एनालाइज करिए कि आप अगर इस प्राइस में इस कार्ड को ले रहे हैं तो उससे क्या हैश रेट मिलता है। यदि आप एनवीडिया कार्ड यूज कर रहे हैं या एएमडी कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आप एनालाइज करिए कि दोनों कार्डों में आपको कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, या किस में आपको अच्छी हैश रेट मिल रही है दोस्तों। आप इसे वाट टू माइन पे जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, दोनों कार्डों को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, एनवीडिया एंड एएमडी दोनों कार्ड को आप सेलेक्ट करिए और अपना एनालिसिस करिए दोस्तों। एंड आप देखेंगे कि दोस्तों, जो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में सबसे कम अगर हम आई थिंक कार्ड यूज होता होगा तो 3080, इसके रिव्यू अच्छे नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड हमारे, यदि आप इससे माइन करते हैं तो ये कार्ड बहुत हीट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कार्ड जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड हैं वो 24 आवर रनिंग होते हैं, तो हमें इनके कूलिंग के लिए भी विशेष ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। तो आई सजेस्ट यू कि आप 3060 कार्ड को अभी यूज कर सकते हैं करंट टाइम में। यदि आपके पास पैसे हैं दोस्तों, तो आप कोई भी कार्ड परचेज करिए, जैसे 3070 भी बेस्ट है। एंड आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको कौन से कार्ड परचेज करने चाहिए, कौन से नहीं। यदि आप ब्रांड में कंफ्यूज हैं दोस्तों कि आपको किस ब्रांड का कार्ड परचेज करना चाहिए, तो मैं तो दोस्तों, मैंने कलरफुल कंपनी के भी मैंने ग्राफिक्स कार्ड ले रखे हैं, गीगाबाइट के भी ले रखे हैं, और जी फोर्स के भी हैं मेरे पास कार्ड। जो मेरे पास 3060 है दोस्तों वो मेरा जी फोर्स का है, मेरे पास 3070 है वो मेरा गीगाबाइट का है दोस्तों, और मेरे पास 2060 मेरा कलरफुल का है दोस्तों। बट आई सजेस्ट यू कि आप गीगाबाइट के कार्ड ही यूज करें दोस्तों, क्योंकि जो गीगाबाइट के कार्ड हैं दोस्तों वो हीटिंग नहीं करते ज़्यादा, बट जो कलरफुल वाले कार्ड हैं दोस्तों उसमें हीटिंग प्रॉब्लम है। तो मैं आपको जो यूज कर रहा हूँ दोस्तों उसके एनालिसिस के हिसाब से आपको बताऊँगा, या बता रहा हूँ दोस्तों कि आप गीगाबाइट्स के कार्ड को यूज करिए दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, आप अपने से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे वो कार्ड यूज कर सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप अब आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जब भी आप परचेज करने जाएं दोस्तों तो वो वन टाइम इन सब चीज़ों को जो हमने आपको बताया एनालाइज ज़रूर करें दोस्तों। हाँ दोस्तों एक चीज़ आप और चेक कर सकते हैं दोस्तों कि जो ग्राफिक्स कार्ड आप परचेज कर रहे हैं उसमें कौन से चिप लगे हुए हैं या किस कंपनी की चिप लगी हुई है, उसको आप उसके बॉक्स में रीड कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस होती है दोस्तों वो हमारे चिप पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों का जब भी ग्राफिक्स कार्ड परचेज करें तो इन सब बातों का ध्यान दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।